सिंप्लेक्स मेथड फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड प्रॉब्लम। जब भी आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी अनरिस्ट्रिक्टेड दिया हुआ रहेगा उसको कन्वर्ट करना है। तो मान लीजिए एक्स जे हमारा अनरिस्ट्रिक्टेड है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स डैश माइनस एक्स डबल डैश, जहाँ पे एक्स डैश जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा और एक्स डबल डैश भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, मैक्सिमाइज जेड, ठीक है, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 2x1 प्लस 6x2 एंड सब्जेक्ट टू माइनस x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 1, 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 2, वेयर x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x2 इज अनरिस्ट्रिक्टेड। तो यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड वाला प्रॉब्लम आ गया। तो अब क्या करेंगे, जैसे xj जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड है तो इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसमें, जैसे x2 के जगह क्या लिखेंगे, x डैश माइनस x डबल डैश। तो मैक्सिमाइज जेड हमारा ये दिया हुआ है, तो x2 के जगह आप क्या लिखेंगे, x डैश माइनस x डबल डैश। तो मैक्सिमाइज जेड हमारा हो जाएगा 2x1 प्लस 6 इंटू x डैश माइनस x डबल डैश, यानी कि मैक्सिमाइज जेड इसको सॉल्व करेंगे तो 2x1 प्लस 6 x डैश माइनस 6 डबल, ठीक, 6x डबल डैश। और कॉन्स्टेंट्स हमारे पास आ जाएगा माइनस x1 प्लस, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x2 है, तो अब x2 के जगह क्या करना है, इसको लिखना है, तो x2 के जगह ये लिख दिए, फिर सेकेंड में भी हमारा x2 यहाँ पे है तो यहाँ पर भी लिख दिए, यानी कि अब हमारे पास क्या आ गया, माइनस x1 प्लस x डैश माइनस x डबल डैश लेस देन इक्वल टू 1, 2x1 प्लस x डैश माइनस x डबल डैश लेस देन इक्वल टू 2, वेयर x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, सिलेक्ट वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो मैक्सिमाइज जेड जैसे हम लोग सिंप्लेक्स में करते थे, तो मैक्सिमाइज जेड हमारा क्या हो जाएगा, 2x1, ध्यान दीजिएगा ये हमारा मैक्सिमाइज जेड है ना, यहाँ पे लिखना है 2x1 प्लस 6x डैश माइनस 6x डबल डैश प्लस 0s1 प्लस 0s2, क्योंकि हमारे पास दो कॉन्स्टेंट्स है तो हमारा दो सिलेक्ट वेरिएबल आएगा। तो सब्जेक्ट टू में हमारा क्या हो जाएगा, माइनस x1 प्लस x डैश माइनस x डबल डैश प्लस s1 विच इज इक्वल टू 1, और सेकेंड हमारा कॉन्स्टेंट्स है 2x1 प्लस x डैश माइनस x डबल डैश प्लस s2 इक्वल टू 2। अब हम लोग सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे, तो सिंप्लेक्स टेबल में हमारा पहला यहाँ पे लिखना है cv, फिर xb, ठीक है, फिर x1, x डैश, x डबल डैश, s1, s2, b और थीटा, इसके बाद cj लिखेंगे, ठीक है। तो cj हमारा क्या होता है, हम आपको पहले भी बताए हैं सिंप्लेक्स टेबल इसमें मेथड से कि मैक्सिमाइज जेड का जो कोफिशियंट होगा वो हमारा cj लिखाएगा। तो मैक्सिमाइज जेड का कोफिशियंट x1 का कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 आ गया, ठीक है। सेकेंड हमारा x डैश का कोफिशियंट 6 है और x डबल डैश का -6, फिर s1 का 0, s2 का 0। इसके बाद हमारा xb, तो xb में क्या लिखा है, जो हमारा सिलेक्ट वेरिएबल है s1 और s2, और इसका कोफिशियंट कितना है, जैसे s1 का 0 है यहाँ पे और s2 का 0 है, यहाँ लिख दिए। अब क्या करना है, फर्स्ट रो लिखना है, यानी कि x1 से लेके, ठीक है, s1 से लेके s2 तक। तो फर्स्ट रो हमारा कैसे लिखाएगा, तो फर्स्ट रो जो है वो हमारा कॉन्स्टेंट्स का कोफिशियंट होता है, जैसे हमारा x1 पहला हमारा ये है, तो x1 का कोफिशियंट कितना है, -1 लिख दिए, फिर x डैश का 1, फिर x डबल डैश का कितना है, -1, फिर s1 का 1 और s2 हमारे यहाँ 0 है तो यहाँ 0 लिख दिए। फिर सेकेंड रो यानी कि सेकेंड कॉन्स्टेंट्स का हमारा कोफिशियंट, तो x1 का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर x डैश का 1 आ जाएगा, x डबल डैश का -1, s1 हमारा 0 है, यहाँ पे s2 है तो s2 कितना है, 1 हो जाएगा। अब हमारा बेसिस यानी कि b हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 2, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 और 2, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करते हैं, zj, तो zj क्या होता है, समेसन ऑफ, ठीक है, cb इंटू xi, तो cb इंटू सबसे पहला हमारा कॉलम x1 है, तो 0 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 2, तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, फिर 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1, फिर ये हमारा 0 ही हो जाएगा, यानी कि हमें 0 है तो किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, ऐड करेंगे तो 0 ही होगा, तो यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा zj सारे में। इसके बाद क्या करना है, zj माइनस cj, तो zj माइनस cj, तो 0 माइनस 2 तो माइनस 2 हो जाएगा, 0, ठीक है, 0 माइनस 2 माइनस 2 हो जाएगा, 0 माइनस 6 माइनस 6 हो जाएगा, 0 माइनस और फिर यहाँ पे माइनस 6 है यानी कि प्लस 6 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या देखते हैं कि zj माइनस cj में मोस्ट नेगेटिव कौन है, तो मोस्ट नेगेटिव यहाँ पे माइनस 6 है, तो ये हमारा, ठीक है, इसके जस्ट कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा x डैश है वो हमारा क्या हो जाएगा, इनकमिंग वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही हमें इनकमिंग वेरिएबल पता चल गया तो उस कॉलम का एलिमेंट्स को और यहाँ पे b जो हमारा एलिमेंट जिसे डिवाइड करेंगे, जैसे b है यहाँ, इसमें एलिमेंट हमारा पहला क्या है, 1 है, तो 1 बाई 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा,
और फिर सेकेंड में हमारे यहाँ टू है तो टू बाई वन कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं जो हमारे थीटा में है मिनिमम वैल्यू क्या है, तो मिनिमम वैल्यू हमारा क्या है, वन है। तो यानी कि ये जो हमारा कॉरस्पॉन्डिंग रो होगा यानी कि एस वन जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा आउटगोइंग वेरिएबल, और एक्स डैश हमारा क्या हो जाएगा इनकमिंग वेरिएबल। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन वाला एलिमेंट है वो हमारा पाइवट एलिमेंट कहलाता है। तो वन हमारा क्या है, पाइवट एलिमेंट। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट टेबल में, जो हमारा पाइवट एलिमेंट होता है उसको हम लोग वन करते हैं और बाकी उसके नीचे जो भी रहेगा उसको जीरो करते हैं। तो यहाँ पे हमारा वन ऑलरेडी है यानी कि फर्स्ट टू हमारा सेकंड टेबल में सेम इसी तरह से लिख देना है। सेकंड में क्या करेंगे इसकी हेल्प से, ठीक है, ये वाला इस रो का हेल्प से इसको ज़ीरो करना है। तो हम लोग सेकंड टेबल में देखते हैं। अब देखिएगा सेकंड टेबल आपको इस तरह से बनाना है, तो सबसे पहले सी बी हम लोग लिखेंगे, फिर एक्स बी, फिर एक्स वन, फिर एक्स डैश, एक्स डबल डैश, एस वन, एस टू, बी और थीटा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सी जे लिखते हैं। तो सी जे जो भी है वो सेम रहता है प्रत्येक टेबल में, तो टू है यहाँ, सिक्स माइनस सिक्स, फिर ज़ीरो ज़ीरो। इसके बाद एक्स बी, तो एक्स बी में हमारा क्या आएगा, जो हमारा नया वेरिएबल है जैसे एक्स डैश ये इनकमिंग वेरिएबल है, ये आ जाएगा यहाँ पर एक्स बी के जस्ट नीचे, ठीक है, और आउटगोइंग हमारा ये जो एस वन है ये हट जाएगा। तो अब क्या करना है, ठीक है, एक्स डैश यहाँ पर आ गया, अब इसका कोफिशियंट कितना है, तो एक्स डैश का कोफिशियंट हमारा कितना है सिक्स, तो यहाँ पे सिक्स लिख दिए। अब यहाँ पे वन करना होता है, चूँकि हमारा यहाँ वन है तो यानी कि ये पूरा एलिमेंट जो है यहाँ पे सेम एज इट इज़ इसी तरह से लिख देना है। तो एक्स वन में हमारा कितना है माइनस वन, फिर एक्स वन एक्स डैश में कितना है वन, फिर एक्स डबल डैश में माइनस वन, फिर एस वन में वन है, फिर एस टू में हमारा ज़ीरो है। अब सेकेंड टेबल यानी कि इसमें जस्ट पाइवट एलिमेंट के नीचे वाला एलिमेंट को ज़ीरो करना होता है। तो अब क्या करना है, ये जो हमारा नया रो आया, ठीक है, तो अब इसका हेल्प से, ठीक है, इसका हेल्प से क्या करेंगे इसको यहाँ पे ज़ीरो लाएंगे। तो क्या ऐसा चीज़ करें जो हमारा ज़ीरो आ जाए, तो ध्यान दीजिएगा हम लोग यदि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे ज़ीरो करने के लिए यदि हम लोग आर टू माइनस आर वन करें, ठीक है, तो हमारा ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे वन है और यहाँ भी वन है यानी कि आर टू माइनस आर वन। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे टू है, टू प्लस माइनस वन, ठीक है, यानी कि आर टू माइनस आर वन, तो टू माइनस माइनस वन कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा, फिर वन माइनस वन कितना हो जाएगा ज़ीरो, फिर माइनस वन, फिर माइनस, और फिर यहाँ पे माइनस है यानी कि माइनस वन प्लस वन कितना हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा, और फिर ज़ीरो माइनस वन हो जाएगा, फिर वन माइनस ज़ीरो यानी कि वन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया सेकेंड रो। अब ध्यान दीजिएगा बी कैसे लिखेंगे, तो बी हमारा जो है वो हमारा पहला बी सेम ऐसा ही, अब बी में फिर से हम लोग वही चीज़ अप्लाई करेंगे यानी कि ये जो हमारा टू माइनस वन, ठीक है, तो कितना हो जाएगा वन हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा सबसे पहले जेड जे फाइंड करेंगे, तो जेड जे कैसे फाइंड करते हैं, समेसन सी बी इंटू एक्स आई, और एक्स आई यानी कि यहाँ पर एक्स वन पहला कॉलम, तो सिक्स इंटू माइनस वन माइनस सिक्स प्लस जीरो इंटू थ्री ज़ीरो यानी कि माइनस सिक्स आ जाएगा, फिर ज़ीरो इंटू सॉरी सिक्स इंटू वन, फिर प्लस ज़ीरो इंटू ज़ीरो यानी कि सिक्स इंटू वन कितना हो जाएगा सिक्स, फिर सिक्स इंटू माइनस वन माइनस सिक्स क्योंकि ये हमारा ज़ीरो हो जाएगा सारे में, फिर सिक्स इंटू वन, फिर यहाँ पे सिक्स आ जाएगा, फिर सिक्स इंटू ज़ीरो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, और सिक्स इंटू वन हमारे यहाँ पे सिक्स आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा जेड जे, ठीक है, जेड जे फाइंड कर लिए, अब हम लोग जेड जे माइनस सी जे फाइंड करेंगे यानी कि माइनस सिक्स और माइनस टू माइनस एट, सिक्स माइनस सिक्स ज़ीरो आ गया, फिर माइनस सिक्स, फिर माइनस और फिर माइनस सिक्स यानी कि ज़ीरो हो जाएगा, सिक्स माइनस ज़ीरो सिक्स, ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा। अब हम लोग क्या देखते हैं कि जेड जे माइनस सी जे में मोस्ट नेगेटिव क्या है, तो मोस्ट नेगेटिव हमारा माइनस एट है यानी कि इसके कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है, इस माइनस एट के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारा कॉलम यानी कि एक्स वन जो है ये हमारा क्या हो जाएगा इनकमिंग वेरिएबल हो जाएगा, यानी कि एक्स वन हमारा इनकमिंग वेरिएबल हो गया। जैसे ही इनकमिंग वेरिएबल पता चल गया अब क्या करेंगे, ठीक है, ये जो इसका बी का जो एलिमेंट है इससे डिवाइड देंगे, तो एक्स वन जो है पहला जो है माइनस वन है और बी यानी कि ये हमारा नहीं जाएगा डिवाइड क्योंकि यहाँ पे माइनस और ज़ीरो को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं यानी कि इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे। सेकंड जो हमारा वन है तो यहाँ वन है यहाँ पे थ्री है तो वन बाई थ्री कितना हो जाएगा वन बाई थ्री। अब हम लोग देखते हैं मिनिमम, तो दोनों में से सिर्फ एक है तो यही हमारा मिनिमम हो जाएगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा रो है यानी कि एस टू ये हमारा क्या हो जाएगा आउटगोइंग वेरिएबल हो जाएगा। तो इनकमिंग हमारा एक्स वन हो गया और आउटगोइंग एस टू हो जाएगा। अब फिर से हम लोग एक सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे, ठीक है, और सिंप्लेक्स टेबल बनाने के बाद
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा थ्री है इसको वन करना है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नेक्स्ट ऊपर का जो है एलिमेंट इसको ज़ीरो करना है। तो ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले एक टेबल बनाएं, सी बी एक्स बी एक्स वन एक्स डैश एक्स डबल डैश एस वन एस टू और बी और थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, सी जे, तो सी जे सेम वैसा ही उतार देना है, टू सिक्स माइनस सिक्स जीरो जीरो। इसके बाद क्या करना है कि एक्स बी, अब एक्स बी में क्या आएगा, तो एक्स डैश पहला हमारा सेम ऐसा ही, अब इसमें इंट्रोड्यूस कौन हो रहा है, सॉरी इसमें इनकमिंग वेरिएबल कौन है, एक्स वन, तो अब एक्स वन जो है यहाँ पर लिखाएगा, ठीक है, और एस टू यहाँ से निकल जाएगा। तो एक्स डैश हमारा आ गया, तो इसका कोफिशियंट सिक्स ही रहेगा। अब एक्स वन का कोफिशियंट कितना है, एक्स वन का कोफिशियंट टू है, यानी कि यहाँ पे टू आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सेकेंड रो को देखेंगे, तो सेकेंड रो में इसको वन करना है, तो वन करने के लिए क्या करेंगे, तीन से डिवाइड देंगे, तो जैसे ही तीन से डिवाइड देंगे तो हमारा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वन हो जाएगा, फिर यहाँ पे तीन से डिवाइड देंगे ज़ीरो, फिर यहाँ पे ज़ीरो, तीन से माइनस वन बाई थ्री हो जाएगा, यहाँ वन बाई थ्री हो जाएगा, यहाँ पे वन बाई थ्री हो जाएगा। अब इस रो का हेल्प से ये जो है इस रो को ज़ीरो करना है, ठीक है, ये सॉरी इस एलिमेंट को ज़ीरो करना है। तो क्या ऐसा चीज़ करें जो हमारे यहाँ पे ज़ीरो हो जाए, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यदि हम लोग आर वन फिर प्लस आर टू करें तो हमारे यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। तो आर वन हमारा यहाँ पे एलिमेंट है माइनस वन और प्लस वन, यानी कि ज़ीरो हो गया, फिर वन प्लस ज़ीरो वन हो गया, फिर माइनस वन, फिर प्लस ज़ीरो माइनस वन हो गया, वन प्लस माइनस वन बाई थ्री यानी कि टू बाई थ्री हो जाएगा, फिर ज़ीरो प्लस वन बाई थ्री वन बाई थ्री हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, वन प्लस वन बाई थ्री यानी कि फोर बाई थ्री हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे जेड जे, तो जेड जे सेम वही फॉर्मूला, समेसन सी बी इंटू एक्स आई, तो हमारा फर्स्ट कॉलम एक्स वन यानी कि सिक्स इंटू ज़ीरो, तो ज़ीरो हो जाएगा, प्लस टू इंटू वन टू हो जाएगा, यानी कि हमारा यहाँ पे टू हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है, सिक्स इंटू वन प्लस टू इंटू ज़ीरो, तो सिक्स इंटू वन सिक्स, टू इंटू ज़ीरो ज़ीरो, यानी कि यहाँ पे सिक्स आ गया, फिर सिक्स इंटू माइनस वन माइनस सिक्स, ये हमारा ज़ीरो हो जाएगा, तो माइनस सिक्स आ गया, फिर सिक्स इंटू टू बाई थ्री, ठीक है, सिक्स इंटू टू बाई थ्री यानी कि हो जाएगा फोर, फिर प्लस टू इंटू माइनस वन बाई थ्री माइनस टू बाई थ्री यानी कि फोर माइनस टू बाई थ्री, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन बाई थ्री। इसके बाद सिक्स इंटू वन बाई थ्री यानी कि टू हो जाएगा, फिर टू इंटू वन बाई थ्री टू बाई थ्री, तो यहाँ पे हो जाएगा टू प्लस टू बाई थ्री यानी कि एट बाई थ्री हो जाएगा, फिर नेक्स्ट सिक्स इंटू फोर बाई थ्री यानी कि एट हो जाएगा, और फिर टू इंटू वन बाई थ्री टू बाई थ्री, तो एट प्लस टू बाई थ्री, तो ये हो जाएगा ट्वेंटी सिक्स बाई थ्री। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जेड जे आ गया, अब जेड जे माइनस सी जे फाइंड करेंगे, तो जेड जे माइनस सी जे, टू इन टू माइनस टू ज़ीरो, सिक्स माइनस सिक्स ज़ीरो, माइनस सिक्स फिर माइनस और फिर माइनस सिक्स यानी कि ज़ीरो हो जाएगा, टेन बाई थ्री माइनस ज़ीरो टेन बाई थ्री हो जाएगा, एट बाई थ्री माइनस ज़ीरो एट बाई थ्री हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जेड जे माइनस सी जे में प्रत्येक एलिमेंट जो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, यानी कि यहाँ पे अब हम लोग स्टॉप कर देंगे, यानी कि इसके बाद अब सिंप्लेक्स टेबल नहीं बनाना है। तो जेड जे माइनस सी जे जब हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो वो हमारा जो है ऑप्टिमम कंडीशन होता है, जैसे हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड ऑप्टिमम कंडीशन ऑफ जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल जे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक्स डैश, तो एक्स डैश का वैल्यू कितना आया, तो एक्स डैश का वैल्यू यहाँ बी से पता चलेगा फोर बाई थ्री, और एक्स वन का वैल्यू वन बाई थ्री, यानी कि एक्स डैश का वैल्यू फोर बाई थ्री, एक्स वन का वैल्यू वन बाई थ्री, तो एक्स डबल डैश का वैल्यू हमारा कितना ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ज़ीरो हो गया। अब क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज़ को मैक्सिमाइज जेड में पुट करेंगे, तो हमारा मैक्सिमाइज जेड ये था टू एक्स वन प्लस सिक्स एस एक्स डैश माइनस सिक्स एक्स डबल डैश। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस ये सब वैल्यू पुट करेंगे, तो टू इंटू एक्स वन, तो टू इंटू एक्स वन का वैल्यू वन बाई थ्री हो जाएगा, फिर प्लस सिक्स इंटू एक्स डैश, तो ये हमारा फोर बाई थ्री, फिर माइनस एक्स डबल डैश कितना है ज़ीरो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा टू बाई थ्री, फिर प्लस थ्री से यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा टू इंटू फोर एट हो जाएगा, और ये हमारा ज़ीरो हो जाएगा, तो टू बाई थ्री प्लस एट यानी कि ट्वेंटी सिक्स अपॉन थ्री हो जाएगा, विच इज़ द रिक्वायर्ड ऑप्टिमम वैल्यू।